बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सुरेश रैना की ये बायोग्राफी 14 जून 2021 में रिलीज हो चुकी है। ये बुक सुरेश रैना और भरत सुंदरसन के द्वारा लिखी गई है। आज हम आपको इस बुक की समरी के बारे में बताएंगे। टीम इंडिया के बाएं हाथ के फॉर्मर बल्लेबाज सुरेश रैना की किताब बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इस बुक के लॉन्च के मौके पर एक इंस्टा लाइव में सुरेश रैना के साथ इंडिया के फॉर्मर बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद भी थे। इंस्टा लाइव में रैना इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी की भी तारीफ की। इससे पहले युवराज सिंह ने भी अपनी लाइफ स्टोरी टेस्ट ऑफ माय लाइफ में काफी चौंकने वाले खुलासे किए थे। इस बुक में सुरेश रैना इंडियन क्रिकेट टीम में उनके सफर और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाज बनने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में बताते हैं। बुक से यूपी में एक उभरते हुए क्रिकेट के रूप में सुरेश रैना के करियर के शुरुआती दिनों की कहानी के बारे में बताया है। बुक से उनके खेल के बारे में और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रैना ने राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे महान साथियों से क्या क्या हासिल किया इस बुक में बताया गया है। ये बुक आपको कड़ी मेहनत, प्यार और विश्वास करना सिखाएगी। ये हमें सुरेश रैना के क्रिकेट करियर की बुलंदियों और ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जिसने अपनी दुनिया को टूटते हुए देखा और फिर भी इंडिया के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक बने। किताब में सुरेश रैना ने अपने क्रिकेट करियर की ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही इन्होंने किताब में टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों के बारे में भी बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। सुरेश रैना ने टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए लिखा कि जब उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू किया गया था तो उन्हें सीनियर खिलाड़ियों से रैगिंग का सामना करना पड़ा था। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार सीनियर खिलाड़ियों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। वहीं राहुल द्रविड़ के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, द्रविड़ से एक बार उन्हें बहुत डांट पड़ी थी। दरअसल एक बार राहुल द्रविड़ ने सुरेश रैना को गलत कपड़े पहनने को लेकर डांटा था। रैना ने बताया, द्रविड़ ने उनसे कहा था कि आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं इसलिए आपका कपड़ा अच्छा होना चाहिए, जिसके बाद रैना ने तुरंत टी शर्ट उतार कर दूसरे कपड़ों को पहना था। सुरेश रैना उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन पर चैपल को भरोसा था। असल में उन्होंने श्रीलंका के दाबुल्ला में अच्छी परफॉर्मेंस देकर चैपल की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। रैना दाबुल्ला में स्कोर करने के विफल रहे। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 226 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 35.31 पर 5615 रन बनाए और अपनी स्पिन बॉल के साथ 36 विकेटें हासिल की। दोस्तों ये तो थी सुरेश रैना के द्वारा लिखी हुई बुक व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के बारे में कुछ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।